जी सर, नेक्स्ट कैफे पेटून की तरफ। श्योर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? दानिश असगर। दानिश साहब, आपके साथ कौन है? ये मोहम्मद शाहजेब। और आपका ताल्लुक कहाँ से? मेरा ताल्लुक दुनियापुर से है। और आप दुनियापुर से डायरेक्ट आए हैं? साउथ पंजाब, इनके आवाज में साउथ पंजाब की चाशनी है, आवाज से ज्यादा इनके लहजे में। दानिश साहब, शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? जी सर। एशियाई? यस सर। साउथ एशियन? जी बिल्कुल। पाकिस्तानी? जी जी बिल्कुल। 5G? जी। 5G होता है ना, जब बड़ा मजा आता है कि पहले 5 तो हमने स्ट्रेट वे। पाकिस्तानी शख्सियत जिंदा जो जिंदा है, तो ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? नहीं सर। शोबिज से? नो सर। फनून लतीफ़ा से? नहीं जी। इल्म फजल? इल्म फजल, फनून लतीफ़ा वो एक ही है। स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स से ताल्लुक है? जी सर। स्पोर्ट्स से ताल्लुक? स्पोर्ट्स से ताल्लुक, सूबे पे स्पोर्ट्स भी, स्पोर्ट को भी नैरो डाउन कर सकते हैं। पहले स्पोर्ट को नैरो डाउन करें। क्रिकेट? क्रिकेटर होना नहीं चाहिए क्योंकि दे आर वेरी मैनी और सारे बड़े कदावर हैं। क्रिकेट है तो फिर मज़ा नहीं आता बूझने में, कुछ रह जाता है। स्क्वाश? हॉकी, स्क्वाश, टेनिस है। टेनिस भी है, इसके अलावा वैसे तो स्नूकर भी है, वर्ल्ड चैम्पियन है, रह चुका है, वर्ल्ड चैम्पियन रह चुका, नहीं इस वक्त भी है। अच्छा, इस वक्त भी है जी। ये रिसेंटली जो जीता है ये दूसरा है, एमेच्योर। एमेच्योर जो रोने लग गया था। ये एंगल भी हो सकता है कि इनके इलाके का साउथ का कोई बंदा हो। साउथ का बंदा हो तो वो तो फिर क्रिकेटर ही होगा क्योंकि साउथ ने ज़्यादातर। अच्छा, इनके करीब तरीन अगर देखा जाए ना, दुनियापुर के करीब तरीन, तो विहाड़ी का हॉकी प्लेयर और क्रिकेटर दो एट अ टाइम, एक बूरेवाला एक्सप्रेस इज द फास्ट बॉलर और सलीम शेरवानी जो फॉरवर्ड था, बिल्कुल जिसे मैं कहता होता था 15 मिनट का उससे अच्छा फॉरवर्ड रूए ज़मीन पे कोई नहीं, 15 मिनट बाद उसको बिठा लिया जाता था भाई। स्मोकर था वो, और ये मैंने उससे मुंह पे कहा था कि बच्चों ये जिस तरीके से पी रहे हो ना, मेरे कमरे में आया मुझे विजिट करने। तो, come off the bench, हाँ, और अच्छा ये भी हो सकता है वो जो फास्ट बॉल जो बड़ा दराज कद है, मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान वो भी इनके बिल्कुल करीब है, मैं प्रॉक्सिमिटी वाइज बता रहा हूँ। चले जी क्रिकेटर से शुरू करें। अच्छा जी, इज ही अ क्रिकेटर? जी सर। वाह, मैं पूछ लू आपके इलाके के करीब? हाँ। नहीं ये ना पूछना, ये नहीं पूछना, ताल्लुक साउथ पंजाब से पूछ लो। हाँ। ये पहले पूछो कि पंजाब से है? पंजाब, पंजाब सिंध? नहीं सर। अच्छा। क्रिकेटर्स इस वक्त एक से एक आला केपी से आ रहे हैं। जी सर। बेहतरीन क्रिकेटर केपी दे रहा है, लिटरेसी रेट में और क्रिकेटर्स में नंबर वन है वो। तो चलो पंजाब का पूछ सकते हैं। ताल्लुक पंजाब से? जी सर, पंजाब से ताल्लुक। साउथ पंजाब से? नो सर। A cricketer who is still playing or what? Retired. Playing or retired? Retired. International cricket से retire हो चुके? नहीं सर। नहीं। नहीं। अभी खेल रहा है। एक तो बाबर है। बाबर के अलावा और किसकी तरफ ध्यान जाएगा जो पंजाब से भी हो? क्योंकि बाबर के साथ जो आता है वो पंजाब से नहीं है। केपी में, डोंट लुक एट मी लाइक दिस, मैं वही देख रहा हूँ। वो बहुत अच्छा प्लेयर है लेकिन he's not from पंजाब, he's from KP. और जो अटैक करता है वो भी KP का है। और क्या अच्छा बॉलर है जहीन शाह, इज अ वेरी गुड बॉलर एंड अ वंडरफुल पर्सन। शोएब अभी खेल रहा है सर? वो खेल रहा था सर, वो नहीं रिटायर होगा, वो बड़ा फिट है माशाल्लाह। क्या बात है सर, पूरी टीम में सबसे फिट प्लेयर ही वो है। वाह वाह वाह, और बुजुर्ग है, सबसे बुजुर्ग है सर, सबसे फिट। प्रोफेसर रह गया मेरे ख्याल, प्रोफेसर इज आउट, वो और वो दोनों हम उम्र थे। अच्छा जी, Is he a batsman? जी सर। मतलब known उनकी वजह शोहरत एक बैट्समैन के तौर पे। जी जी। ताल्लुक लाहौर से है भैया? जी सर, लाहौर से ताल्लुक। कैप्टन है? पाकिस्तानी टीम का कैप्टन है? जी जी बिल्कुल। क्या बात है, 3 सेंचुरियां पैदर पैद 2 दफा की हैं? जी जी बिल्कुल। ये बात, उन जैसा सीधा बैट आज तक आपने किसी का नहीं देखा होगा, बाबर आजम।
वैसे बहुत ही ऑब्वियस था, सीधा सीधा था, लेकिन चूंकि पर्सनालिटी हमारी इतनी फेवरेट है, हाँ जी, हमने कहा चलो थोड़ा इसी बहाने उसे याद ही कर लें। जी सर।